बाइक सवार बदमाशों ने फैक्ट्री से घर लौट रहे कर्मचारी को गोली मार दी। पुलिस की दो टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। नोएडा सेंट्रल जोन के थाना इकोटेक 3 के एटीएस गोल चक्कर के पास देर शाम दो बाइक सवारों ने एक फैक्ट्री के कर्मचारी को गोली मार दी। पीठ में गोली लगने से घायल कर्मचारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर थाना इकोटेक पुलिस समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई है। पुलिस की दो टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। सूरजपुर निवासी अभिषेक विशरक में स्थित एनरिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कार्य करता है। देर शाम को छुट्टी के बाद वह कंपनी से घर के लिए लौट रहे थे, तभी एटीएस चौराहे के पास एक बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनको पीछे से गोली मार दी। गोली उसके कमर में लगने के बाद पेट से निकल गई। गोली लगने से अभिषेक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई है। गोली कमर में लगने के बाद पेट की तरफ से बाहर निकल गई। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। एक बाइक पर सवार दो बदमाश थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस वजह से गोली मारी गई ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दो टीमों को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। थाना इकोटेक खंड अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक है, जो सूरजपुर का रहने वाला है, वे बिशरक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता था। आज ड्यूटी समाप्त करके अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। दो मोटरसाइकिल सवार ने इसके कमर के ऊपर गोली मार दी है। तत्काल इसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है, जहाँ इसका उपचार चल रहा है। इसमें दो टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दोषियों को गिरफ्तार किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।